मुराई वाली माई के दरबार में लगा भव्य मेला। भंडारा प्रसादी के साथ 14 जोड़ों का हुआ विवाह सम्मेलन। खबर कराहल से है, जहां कराहल मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर वनांचल के मुराई गांव में स्थित मां महिषासुरमर्दिनी के मंदिर पर नवरात्रि के पावन दिनों में 3 दिवसीय भव्य मेला लगा हुआ है। यहां पर मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। मां की महिमा के कई किस्से लोग सुनाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ग्रामीणों ने बताया कि तिल्ली खो के सिद्ध संत ने उन्हें माँ भगवती के पुराने समय की घटना बताई थी। मंदिर पर विराजित माँ पहले गुफा में निवास किया करती थी। एक राक्षस वध के लिए किए माँ गुफा से निकल कर आई और उसका वध किया। तभी उस समय के लोगों ने माँ की प्रतिमा यहाँ श्रृंगार कर विराजित कर दी। तब से ही माँ यहाँ सभी को अपना आशीर्वाद दे रही है। वहीं मुख्य आयोजक प्रताप सिंह कुशवाहा जी ने आयोजन के बारे में बताया कि अब से 19 वर्ष पहले उनके पिताजी द्वारा मंदिर पर शुरू किया 5 किलो आटे का भंडारा अब सभी धर्म प्रेमियों के सहयोग से विशाल भंडारे तक पहुँच गया है। वही हर बार की भांति इस बार भी मां के दरबार में 14 आदिवासी जोड़ों का निशुल्क विवाह सम्मेलन भी करवाया गया। उन्हें उपहार स्वरूप भेंट भी प्रदान किए गए। भक्तों के लिए दूर दराज क्षेत्र से मंदिर तक लाने ले जाने के लिए जयदुर्गी ट्रैवल्स की निशुल्क सेवा उपलब्ध रही। और सुनिए आयोजन को लेकर क्या बोले प्रताप सिंह कुशवाहा। कराहल से संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं मुराई माता मंदिर पे, जहाँ पे हर साल नवरात्रा यहाँ बैठती हैं और विशाल भंडारा यहाँ चलते हैं और आदिवासियों के यहाँ पे निःशुल्क विवाह सम्मेलन भी कराए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप सिंह कुशवाहा जी, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक होते हैं। ये 2005 से इस मंदिर पे ये छाते का और नौ दुर्गों का भंडारा चालू है। और जब इस सम्मेलन में फर्स्ट जोड़ा रखा था, एक जोड़े से शादी करना यहाँ शुरू किया है। आज की तारीख में 2024 के इसमें आज 14 जोड़ों का विवाह संपन्न किया जाएगा। इसके लिए हरिओम शास्त्री जी, जो मोरावन के पंडित जी हैं, उनके मुखा से मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा और उनके शादी के सूत्र में उनको बांधा जाएगा। इसमें उनको वस्त्र भी दिए जाएंगे, बर्तन भी दिए जाएंगे और चांदी के भी आभूषण दिए जाते हैं। भाई साहब बताते हैं कि काफ़ी वर्षों पुराना ये रीति रिवाज यहाँ का चला आ रहा है, लगभग आपने कब से शुरुआत की और वो शुरुआती स्तर क्या था? ये 2005 से शुरू किया था। पहले यहाँ मंदिर पे सिर्फ यानी कि प्रॉपर गांव के लोग ही इसको देख रेख करते थे। और इसके बाद जब पापा जी यहाँ आए, उन्होंने का जीर्णोद्धार करवाया मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के बाद फिर इस मेले की परंपरा बनाई। तो इसमें जय दुर्गे ट्रेवल्स की तरफ से निशुल्क दुकानदारों को यहाँ लाया जाता है और वापस से अपने दूसरे स्थान तक कराल तक भेजा जाता है। निशुल्क उनको लाना, मंदिर में दुकानदारों को निःशुल्क पानी, भोजन, लाइट की सुविधा भी दी जाती है। शुरुआत में जब यहाँ भंडारा किया गया था तब क्या स्तर था, मतलब क्या इसी तरह विशाल भंडारा किया गया था? नहीं, जब ये फर्स्ट साल ही इस भंडारे को किया था, साते का भंडारा हर 15 दिन में लगता है साते के दिन, तो उस वक्त फर्स्ट के दिन हमने इसमें 5 किलो की पुड़ी बना के इस भंडारे को प्रारंभ किया था। और आज की स्थिति ये है कि ये 3-3 क्विंटल पे भी भंडारा हर 15 दिन में चलता है। प्रताप सिंह जी, काफ़ी दूर दराज से यहाँ आते हैं लोग, तो क्या आपके जय दुर्गे ट्रेवल्स ही उनमें लगी उन्हें लाने ले जाने के लिए यहाँ? हाँ, ये एक कोटा से भी जो यात्री और सामान लेके आते हैं व्यापारी लोग, तो कोटा से, बारा से, कैलवाड़ा से, सिमरानिया से, इधर कराल से, सोपुर से, चारों तरफ से जो आप जय दुर्गे ट्रेवल्स की गाड़ी आती है वो इनको निःशुल्क लेके आती है। तो अभी जो ये भंडारा हो रहा है, तो ये क्या आप निजी या इसमें और भी लोगों का भंडारे में क्षेत्र से चंदा लिया जाता है, जो जिसकी श्रद्धा होती है वो अन्नदान भी करता है और इसके साथ है वो अपने धन की भी सुविधा देता है, तो वो धन भी लिया जाता है। तो आप देख लीजिए, प्रताप सिंह कुशवाहा जी यहाँ लगातार इस आयोजन को यहाँ लगातार वर्षों से कराए जा रहे हैं और लगभग ये दूसरी पीढ़ी है, इनके पिताजी ने यहाँ पे आके सबसे पहले शुरुआत